गणपति स्थापना के दिन बप्पा को लगाएं मावा की खीर का भोग, जाने से बनाने का तरीका। कुछ ही दिन में गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है, जिसकी तैयारियों की धूम बाजारों में अभी से दिखाई देने लगी है। बाजारों में जगह जगह गणपति बप्पा की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां मिल रही है। गणेश उत्सव की शुरुआत हर साल गणेश चतुर्थी के दिन से होती है। गणेश चतुर्थी के दिन ही आम आदमी से लेकर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी तक धूमधाम से अपने घर बप्पा की स्थापना करते हैं। बप्पा की स्थापना के बाद 10 दिन उनकी खूब खातिर की जाती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदा किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इस साल ये तिथि 19 सितंबर को पड़ रही है। लोग जितने दिन के लिए बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं, उतने ही दिन उन्हें कई प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाते हैं। ऐसे में आज के लेख में हम आपको मावा की खीर बताएंगे, ताकि आप भी गणेश भगवान को इसका भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न कर सकें। मावा को खीर बनाने के लिए जरूरी सामान है दूध 1 लीटर, चीनी 4 चम्मच, मावा 100 ग्राम, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश 1 कटोरी, इलायची पाउडर 1.5 चम्मच, केसर 2 चम्मच, चिरौंजी 2 चम्मच। बप्पा के लिए घर पर मावा का खीर बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले किसी बर्तन में दूध लेकर उसे उबालें। एक उबाल आने के बाद गैस हल्की कर दें और इसे धीमी आंच पर पकाएं। कुछ देर के बाद इसमें मावा डालें और लगातार चलाते रहें। इसके बाद दूध में चिरौंजी, बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डाल दें और लगातार चलाते रहें। अगर आप इसे चलाएंगे नहीं तो हो सकता है ये बर्तन में नीचे की तरफ लग जाए। दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें चीनी डालें। चीनी डालने के बाद इसे 4-5 मिनट तक पकाएं। चीनी डालने के बाद इसमें इलायची पाउडर और केसर के भींगे हुए धागे डाल दें। इसके बाद इसे बिना ढके 20 मिनट पकाएं। बस आपकी मावा की खीर तैयार है। इसे बाउल में निकालकर ठंडा करें। चाहे तो इसे सजाने के लिए ऊपर से और मेवा डाल सकते हैं।